अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना कफाला लेना चाहते हैं या फिर कंपनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है एकामा नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियो में ऐसा कमेंट आता है कि भाई मेरे पास एकामा नहीं है, मुझे सऊदी में आए हुए 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया लेकिन मेरा एकामा नहीं है, तो क्या मैं कफाला ले सकता हूँ या फिर जॉब ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे जो आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और कैसे कैसे करवा सकते हैं, क्या लगेगा आपको डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से करवाना पड़ेगा, क्या क्या आपको जो है रिक्वायरमेंट चाहिए या रूल है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस फुल तरीके से बताऊँगा कैसे आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं अगर एकामा आपके पास ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सीख देखते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका बिना एकामा के या फिर कैसे आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका एकामा नहीं है तो कैसे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आप सऊदी में नए नए आए हैं और आपका जो है अभी 3 महीना ही हुआ है और आपके पास एकामा नहीं है तो मैं आपको क्लियर के लिए बता दूं कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आप सऊदी में नए नए आते हैं तो आपका 90 दिन का ट्रायल होता है, क्योंकि आपका वीज़ा 90 दिन का लगा होता है। तो अब इस 90 दिन के अंदर में जो है आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते क्योंकि आप जो है अभी भी आप अपने कफील के अंडर में होते हैं, क्योंकि 90 दिन तक जो है गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है, 90 दिन के बाद वो आपका एकामा बना सकते हैं। तो अगर इससे पहले अगर आप चाहें तो आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, अगर वो लेते हैं तो वो आपका एकामा बना करके आपको बिना बताए आपका हुरूप लगा देगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप नहीं ले सकते। हाँ, अब सेकेंड बात करते हैं कि 90 दिन आपका हो चुका है, 90 दिन के बाद भी आपका एकामा नहीं बना है, चाहे 6 महीना हो चुका हो, चाहे साल भर हो चुका हो, चाहे 2 साल हो चुका हो, तो अगर आपका एकामा फिर भी नहीं बना है और आप जो है चाहते हैं कि आपका कंपनी ट्रांसफ़र ले लें या फिर किसी जगह पर नकल कफाला ले लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके पास एकामा ना हो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आप कफाला नहीं ले सकते, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में या कफील के पास जाएंगे तो वो आपसे आपका एकामा मांगेगा। अब बिना एकामा के जो है आपका कफाला हो ही नहीं सकता है। तो अब इससे आपको कैसे बचना है और कैसे जो आप अपना एकामा खुद से ही बनवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है जबजात के ऑफिस। जबजात के ऑफिस में आप जैसे ही जाएंगे तो बाद में बहुत सारा जो है इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, हर लैंग्वेज का जो है आपको वहाँ पे ऑफिस मिलेगा। आप सिंपली वहाँ पे जाएं और वहाँ जा के बोलें कि मुझे अपना एकामा बनवाना है और मेरा जो कफील एकामा नहीं बना रहा है, तो वहाँ पर जो है आपसे 1000 से 1500 रुपये चार्ज मारेगा, 3 महीने का एकामा आपको बना के देगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट कैरी करके जाना, आपको पासपोर्ट नंबर वहाँ पे शो करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो है आपका एकामा के लिए अप्लाई कर देगा। लेकिन जैसे ही वो एकामा अप्लाई करेगा तो आप उससे एक रिसीप्ट मिलेगा, वो रिसीप्ट आप ज़रूर ले लें क्योंकि वो रिसीप्ट आपके बहुत काम आएगा आगे भी। तो ये हो गया। दूसरी बात कि जब वो अप्लाई कर दे तो अप्लाई करने के कुछ 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो है आपका एकामा नंबर आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको एकामा नंबर मिल जाता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अफसर के मशीन पर जाना है और वहाँ जाके जो है अपना अफसर का आईडी बनाना है, क्योंकि बिना अफसर के आईडी के आप जो है कोई भी यहाँ पे सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अब सेकेंड है कि जब आपका अफसर पे आईडी बन गया है उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू एप का एप्लीकेशन बनाना है और उस पर अपना रजिस्टर करना है। अगर आपको नहीं पता कि क्यू एप एप्लीकेशन पे रजिस्टर कैसे करना है तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, आप उसे वीडियो को देख के अपना आसानी से जो है अकाउंट बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बात पे कि अगर आपका अकाउंट भी बन गया, अफसर भी बन गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 दिन के बाद जो है आपका जो है काम आपको बन के मिल जाएगा, जो 3 महीना या फिर 2 महीने का वैलिड होगा। उसके बाद आपको है किसी भी कंपनी या कफील के पास जाना है और अब वहाँ पर आपको बोलना है कि मुझे कफाला चाहिए, तो वहाँ पर जो है आपसे जो है आपका एकामा मांगेगा, क्योंकि आपका एकामा भी वैलिड है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कफाला वहाँ पे होगा। अब वो कफील या स्पॉन्सर आपको क्या करेगा, क्यूआ पे आपके जो है रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब रिक्वेस्ट वो भेजेगा तो रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब रिक्वेस्ट को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टर्म एंड कंडीशन है उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका आसानी से जो है कफाला हो जाएगा। तो वो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो भी मैं बता देता हूँ, जो कि जबजात की तरफ से जो है आपको दिया गया है, आपके लिए रूल बनाया गया है।
तो वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्या क्या आपको जो रूल्स होता है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कफाला के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है अफसर पे आपको जाना पड़ेगा, और अफसर पे जाने के बाद जो है आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या वायलेशन है। तो ये काम आप नहीं करेंगे, ये आपका जो स्पॉन्सर है वो चेक करेगा, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट है, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर शॉल बी नॉट हैव एनी अनपेड ट्रैफिक वायलेशन, यानी कि आपके ऊपर या फिर आपका जो स्पॉन्सर जो आपको कफाला दे रहा है उन दोनों के ऊपर जो है कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरे ऊपर तो काम है नहीं, मुझ पे कैसे ट्रैफिक वायलेशन आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपको कफाला दे रहा है या फिर जो आप कफाला ले रहे हैं तो दोनों ही के ऊपर जो है ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्पॉन्सर पासवर्ड शुड बी वैलिड एंड स्पॉन्सर विद एक्सपायर्ड पासपोर्ट विल बी नॉट डिस्प्लेड, यानी कि जब आप कफाला ले रहे हैं तो आपका जो है पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, दूसरा कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अप्रूव शुड बी अवेलेबल एंड वैलिड फॉर स्पॉन्सर ट्रांसफ़र टू न्यू स्पॉन्सर, यानी कि उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वह पे अपना रिक्वेस्ट को, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उस जो ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट है उसे वो चेक करेगा, चेक करने के बाद वो जब अप्रूव कर देगा तब फिर जो है आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चौथा जो पॉइंट है, स्पॉन्सर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अफसर, स्पॉन्सर शुड बी रजिस्टर्ड एज अब्सेंट, यानी कि जो आपका अफसर पे जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपका जो कफाला लेने से पहले आपका अफसर पे अकाउंट बना होना चाहिए। उसके बाद है, स्पॉन्सर ट्रांसफ़र फीस शुड बी पेड, यानी कि जब आप जो अपना ट्रांसफ़र या फिर नकल कफाला करवा रहे हैं तो उसका जो पेमेंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आप नहीं पे करेंगे, वो जो आपको कफाला दे रहा है वो पे करेगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो नकल कफाला लेगा या फिर जो आपको दे रहा है वही आपको जो है वहाँ पे पेड करेगा आपका नकल कफाला का पेमेंट। उसके बाद, स्पॉन्सर शुड नॉट हैव अ वैलिड एग्जिट री एंट्री वीज़ा एनुअल एग्जिट वीज़ा, यानी कि अगर आपके ऊपर एग्जिट वीज़ा लगा हुआ है तो आपका फिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कफाला आपका नहीं होगा। आपके ऊपर एग्जिट वीज़ा नहीं लगा हो यानी कि आपके ऊपर छुट्टी का पेपर नहीं इशू हुआ हो, ठीक है। उसके बाद, स्पॉन्सर शुड हैव बी फिंगरप्रिंट एंड फोटो रजिस्टर इन MOI सिस्टम, यानी कि जो गोसी का मैसेज होता है MOI का जो सिस्टम होता है उस पर आपका फिंगर और आपका फ़ोटो मस्ट जो है अपलोड होना चाहिए यानी कि अपडेट होना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, जो आपको कफाला दे रहा है वो खुद ही ये काम को करेगा, आपको ले जाएगा जब जा तो वहाँ जा करके आपका फिंगर दिलाएगा और आपका एक फ़ोटो दिलाएगा, वहाँ पे जो है ये सारा चीज़ को अपडेट करेगा, फिर जो है आपका आसानी से जो है वहाँ पे कफाला हो जाएगा। तो ये जो है सारा तरीका था, इस तरीके से जो आप इस फॉलो करेंगे तो आपका जो है अगर अकामा नहीं भी बना हुआ होगा तो आप खुद से अकामा बनवा करके 3 महीने या फिर जो 2 महीने का अकामा जो होता है उसे आप खुद से बनवा लें, बनवाने के बाद जो है आसानी से जो है अपना नकल कफाला करवा लें, क्योंकि अकामा बनाने के बाद आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर बना लेते हैं वहाँ पे, तो फिर आपके कंपनी या कफील की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे। अब बाद में अगर आपको फिर भी कोई सवाल आपका रहता है और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा। अगर फिर भी आपको ज़्यादा गहरे तरीके से पूछने या डीप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और वहाँ पे मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको फुल तरीके से बताऊँगा और आसान तरीका भी बताऊँगा कैसे जो आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं अगर आपका इकामा ना बना हुआ हो। तो ये सारा तरीका था अगर आपका इकामा ना बना हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए और आप ट्रांसफ़र ले लें तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करके आसानी से देख करके अपना नकल का फाला करवा सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरह का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी इस तरह का मालूम हो और वो भी जो अपना नकल का फाला करवा पाएँ। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए